मॉर्निंग बेटा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि अपने घर के अंदर जो लाइट आती है, अल्टरनेटिंग करंट एसी जो आती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, 220 वोल्ट हमारे घर में आ रही है, तो 220 वोल्ट क्या कैलकुलेशन करके हमने लिखी है 220 वोल्ट है, ठीक है। करंट है भाई 15 एम्पियर, 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर करंट है जो हमके घर के अंदर सप्लाई हो रही है, वायर के अंदर, नॉट डीसी, एसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि डीसी तो चेंज होता ही नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैं एसी की बात कर रहा हूं। तो अगर एसी 15 एम्पियर है, ये कहते हैं वोल्ट हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट 220 वोल्ट आ रखी है, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करके लिखी हुई एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप कहोगे सर ये आरएमएस वैल्यू होती है, याद रखना बात हमेशा, एसी की जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे कुछ भी लिखा मिले कि 220 वोल्ट है एसी, ये बात लिखनी नहीं, आप समझ रहा होंगे इस बात को, ठीक है। 220 वोल्ट एसी अपने घर के अंदर सप्लाई हो रखी है, वायर लाइन से आके घर में आ रखी है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज आरएमएस वोल्टेज, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, इसको आप क्या कहोगे, ईवी, स्मॉल ईवी, कैपिटल ईवी, कुछ भी। अच्छा ईवी का मतलब क्या है, मैंने आपको नाम दो बताए थे ना, ध्यान करेंगे अच्छे से, इस बात को अच्छे याद करो, मैंने तो लिखा था रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, लिखा था ना बेटा, ध्यान रखना एक बात, जो हमने पीछे लिखा था आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मैंने ठीक इसका मतलब से आपको सबको समझाया था। इस आरएमएस वैल्यू के दो नाम और लिख लेना उसी नोटबुक के उसी पेज पे वहीं पे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू या इसको हम कहते हैं वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, तीन नाम होते हैं किसी भी आरएमएस वैल्यू के, वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। इसका मतलब मैं इस 220 वोल्टेज को मैं ई आरएमएस भी कह सकता हूं, मैं इसको ई वर्चुअल भी कह सकता हूं, मैं इसको ई इफेक्टिव भी कह सकता हूं। दिस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बताओ अपने घर के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होती है, मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए इसी का फैक्टर आप यूज करते हो कि वी नो ई आरएमएस होता है ई नोट डिवाइड बाय रूट टू। तो ई नोट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या बनेगा उसका, तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा ई नोट इज इक्वल टू ई आरएमएस कह दो, ईवी कह दो, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई आरएमएस मल्टीप्लाई बाय रूट टू। तो किसी भी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आपको रूट टू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। तो ये मान लो हमारे पास घर में आई है 220 वोल्ट, ये हुआ 1.414, ये आएगा 311 वोल्ट। अब आपको एक घर के अंदर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ एसी और डीसी की, एसी या डीसी में से कौन ज्यादा डेंजरस है, ठीक है, एसी और डीसी डेंजर खतरा किससे ज्यादा है, तो आप किससे बताओगे, क्या कैलकुलेशन करके बताओगे, आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बताओगे कि भाई किसकी जितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उतना ज्यादा डेंजरस है। तो आपसे बताओ 220 वोल्ट तो है एसी और एक बोलते हैं 220 वोल्ट डीसी, विच इज डेंजर, ठीक है, विच इज डेंजरस, तो 220 वोल्ट एसी या फिर डीसी, तो क्या कहोगे बेटा कि जो 220 वोल्ट अगर डीसी हुआ, मतलब ये उन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब भी समझना एक बार, कि अगर एसी आए तो हमें क्या लेके चलना है उसका, डीसी आए तो क्या लेके चलना है उसका, न्यूमेरिकल निकालने के लिए, ठीक है। तो फॉर 220 वोल्ट डीसी की अगर बात करते हो, ये तो एसी है, 220 वोल्ट डीसी की अगर बात करते हो तो डीसी के अंदर तो ओनली उसकी क्या वैल्यू होती है, एक जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वही होती है और वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही डीसी कभी चेंज होता ही नहीं है, उसका जो वोल्टेज है वर्सेस टाइम कभी चेंज नहीं होता है, वो 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही रहेगा ऑलवेज।
तो इसका मतलब डीसी की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, 220 वोल्ट। E नोट ऑफ डीसी कितनी रहेगी, 220। और हमारी E नोट ऑफ एसी कितनी है, E नोट ऑफ एसी कितनी है, 311 वोल्ट। किसकी ज्यादा पीक वैल्यू है, एसी की। तो आप क्या कहोगे, एसी इज मोर डेंजरस कंपेयर टू डीसी, एसी से ज्यादा खतरा होता है कंपेयर टू डीसी से, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है मैंने आपको बता दिया। तो ये बातें याद रखना, अगर आपको व्हीकल में इतनी वोल्टेज डीसी लिखा मिले तो हमेशा आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके चलोगे ई नोट, और इतना वोल्टेज कुछ भी लिखा मिले उसके आगे एसी लिखा मिल गया तो उसके जगह आप लेके चलोगे, भाई वो आरएमएस है या वर्चुअल या इफेक्टिव में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मतलब एक ही होता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नए टॉपिक पे, ये तो हो गया कंप्लीट। इसके इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, आरएमएस लास्ट कराया था उसके बाद लिख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फेजर। पहले आपको सर्किट बनाने से पहले आपको फेजर बताते हैं, पर मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इसी तभी कराया था, फिर से थोड़ा सा एक अलग से इसका बताता हूँ कि फेजर क्या है। उसके अंदर तो फेजर के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन पॉइंट के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या ये किसके लिए यूज होता है, होता क्या है ये। नंबर वन, इट इज ए वेक्टर, वेक्टर होते हैं रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, विद एंगुलर स्पीड। अब सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर ही होगी ना, विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, पहली बात। दूसरी बात, किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट साइनसोइडल, मतलब जिसके साथ में वेरिएशन हो साइन या कोसाइन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार वेरी करता रहे, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ फेजर इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ओके, ठीक है। नंबर फोर, एंगल मेड बाई फेजर विद एक्स एक्सिस कॉल्ड फेज। नंबर फाइव, प्रोजेक्शन quantity along y axis give its instantaneous value. Instantaneous value in terms of sign variation, and in terms of sign, and along x-axis, any projection give cosine variation.
ठीक है, बस मेन मेन ये पांच पॉइंट हमारे पास है किसी एक फेजर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये पांच पॉइंट नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बढ़ाऊंगा इसमें, बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या क्या सारी वैल्यू है एक बार, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूं डायग्राम इसका पास साथ में एक बार इसका। एक बार आप फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, ये फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए वेक्टर, ये वेक्टर होते हैं रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। फिर मैं इसके जगह बनाता हूं इसका डायग्राम एक बार, फिर समझ आए कंप्लीट ही क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा आपको पता है चार क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस होते हैं, ये माइनस एक्स हो जाएगा यानी कि एक्स डैश, और ये वाई डैश नेगेटिव है, क्लियर बेटा। उसके बाद क्या बताना है कि हमारे पास ये रोटेटिंग वेक्टर होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो कहीं से भी हो सकता है मान लो। तो भाई अगर ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, ये बड़ा, ठीक है, तो इसकी ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। वेक्टर है तो एरो मिलेगी, मिलेगी एरो। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, स्टार्ट एक्स एक्सिस से, यहां से स्टार्ट होता है यहां से, और यहां से लेकर एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करता हुआ जाएगा। इसको समझ लेना, आगे कम से कम दो से तीन दिन है कि जो टॉपिक आएगा इसमें एल सी और आर का, वो इसी से रिलेटेड है, तो पहले इसको अच्छे समझेंगे। तो ये हमारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है जो एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, स्टार्टिंग एक्स एक्सिस से होती है, और किसी भी टाइम मान लो यहां है, किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, जो प्रोजेक्शन निकालेंगे किसी भी इंस्टेंट पे होता है, इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम में, तो किसी भी टाइम मान लो यहां है वो। तो पहला पॉइंट हो गया रोटेटिंग एंटी क्लॉक हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द साइनोसॉइडल वेरिंग करंट, वेरिंग करंट नहीं क्वांटिटी लिखना, इसको वेरिंग क्वांटिटी लिखना, नोट करंट, करंट भी हो सकते हैं वोल्टेज भी हो सकते हैं, वेरिंग क्वांटिटी करना इसको, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी करंट भी हो सकती है और वोल्टेज भी हो सकती है, एनीवन कुछ भी हो सकता है यहां पे। उसके बाद दूसरा हो गया साइनोसॉइडल वेरिएशन को दिखाता है, साइनोसॉइडल मींस साइन साइन नहीं कोसाइन भी होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ द फेजर इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ आपको पता है वेक्टर, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या दिखाती है, हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आप सबको पूछे बताओ इनमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप किस में बताओगे, पर जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, इसका मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, है ना, तो सेम ऐसे इसके अंदर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई ये जो लेंथ होगी ये उसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। तो मान लो हम करंट को निकाल रहे हैं, हम करंट का वेरिएशन दिखा रहे हैं, करंट का वेरिएशन, इसका मतलब ये उस करंट की क्या हो गई, पीक वैल्यू, मतलब करंट की पीक वैल्यू यानी करंट की जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू वो इतनी है, ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर, ये हो गई सेकंड। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, नंबर फोर, एंगल मेड बाय द फेजर विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड फेज, जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ किसी भी टाइम, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, उसका एंगल इसके साथ थीटा मान लिया, वो थीटा क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेज। अब ये थीटा किसके इक्वल होगा, ध्यान देना, दिस इज थीटा किस, हमारे जो आएगा ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये थीटा हमारे पास इक्वल टू होगा ओमेगा टी के, अरे होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बेटा, यानी स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, एंगल तो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो जो एंगुलर स्पीड इनटू टाइम क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज, ठीक है। चलो आगे, नंबर पांच, प्रोजेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी अलोंग द वाई एक्सिस गिव इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन, तो वाई के अलोंग इसका अगर हम प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, वैल्यू, कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी अगर मैं इसकी वैल्यू इसी पॉइंट पे यहां देखू तो,
तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू कहलाएगी आई, और ये आई किसके इक्वल होगा? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम करंट की वैल्यू, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. ओमेगा टी इज द फेज, साइन वेरिएशन, और आई नोट इज पीक वैल्यू, एंड आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. तो आई जो आया वो कहां आएगा? y के अलोंग, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो ये कहलाएगी. और अगर अलोंग x एक्सिस दिखाना हो तो वो कोसाइन वेरिएशन है. अगर हमें इसी की वैल्यू अलोंग प्रोजेक्शन डालनी हो, x के अलोंग यहां डालनी हो, तो ये भी i कहलाएगा. वैसे तो इसको सही आई वन लिख दो, इसको मैं आई टू लिख दो, ठीक है, या मैं इसको आई वाई कर देता हूं और इसको आई एक्स कर देता हूं. तो आई वाई हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, एंड अलोंग एक्स एक्सिस जो बनेगा वो बन जाएगा आई नोट दिस इज कोस ओमेगा टी. तो अगर आपको प्रोजेक्शन वाई के अलोंग दिखाना है तो आप ये लिखेंगे, एक्स के अलोंग दिखाना है तो आप ये लिखेंगे. हम एक करेंगे बस यहाँ पे जनरली वाई के अलोंग. तो आप इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. अगर इसकी जगह वोल्टेज होता वोल्टेज, तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होती, ये एंगल हो जाता वोल्टेज का ओमेगा टी, तो ये बन जाता वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है. तो ये उसी बात ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रख लो कि रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद स्पीड ओमेगा, लेंथ उसकी पीक वैल्यू कहलाएगी, और उसकी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फेज कहलाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग या उसका प्रोजेक्शन उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी. दिस इज कॉल्ड फेजर, ये है फेज, ठीक है. अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जहां ये काम आएगा हमारे, इसको अच्छे से नोट कर लेने का, ठीक है. चलो नेक्स्ट. ये डायग्राम छोटा सा नहीं बनाना, अच्छे से बड़ा सा डायग्राम बनाना साफ साफ. अब देखो तीन हमारे पास हैं, एक जैसे ही है तीनों. तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. हमारे पास एक एसी सर्किट होगी जिसमें सब जो सोर्स होगा वो एसी होगा, और उसमें सर्किट में ओनली एंड ओनली क्या होगा? रेजिस्टेंस. मतलब इस तरह से कि सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और सर्किट में सप्लाई क्या है? एसी. ये सिंबल किसका होता है? एसी का होता है ये वाला, ठीक है भाई, जो लगातार टाइम के साथ वेरी करता है. और इस एसी की वोल्टेज ई है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी कहलाएगी? ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये है रेजिस्टेंस. ये है हमारे पास गिवन, क्लियर. तो आपको करना क्या होगा इन सभी में? इन सभी में आपको वोल्टेज की या जो ईएमएफ की आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी होगी. आपको वोल्टेज दिया है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी होगी. इन सभी के अंदर वोल्टेज गिवन है, लेट ई दे रखा है, हमें करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी होगी. देखो भाई सबसे पहले लेट, सभी में ये करना है सभी में. तो लेट ई जो दे रखा है वो है ई नोट साइन ओमेगा टी. मैं फिर बार बार चीज बार बार बोल रहा हूं, आप इसको कैपिटल लिखे, आप इसको वी लिखे, आप इसको कुछ भी नाम दे, है ये वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये. तो ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. अब यहां से मैं करंट कैसे निकालूं, और वो करंट किस टर्म में आए? वो करंट आर की टर्म में आए, आर आए उसमें, ध्यान नहीं पाती है. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें करंट हो, वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस हो? और सीधा सा ओम्स लॉ रहा, तो ओम्स लॉ क्या होगा बेटा? वी नो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा आई आर, क्लियर. ई इक्वल टू आई आर, ई की वैल्यू पुट कर दें, ई कितना है? दिस इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी is equal to I into R. आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो I किसके इक्वल होगा?
आई आ जाएगा भाई ए नोट डिवाइड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए नोट मैक्सिमम वोल्टेज, आर एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है, आर की मैक्सिमम मिनिमम कभी चेंज नहीं होती, वो एक ही रहती है, दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म। इसका मतलब वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करंट होता है, लेकिन अगर ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है तो करंट आएगा मैक्सिमम करंट, अगर ये वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो करंट भी आएगा इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे कैसे आएगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। ठीक, तो ई नोट बाई आर इज इक्वल टू क्या आया, आई नोट, तो वापस, सो I is equal to किसके आया, I नोट साइन ओमेगा t, गिवन क्या था E equal to E नोट साइन ओमेगा t, हमारे पास आया I is equal to I नोट साइन ओमेगा t। आपको कंपेयर करना है इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को, क्या कंपेयर करना है, इनका फेज कंपेयर करना है कि इन दोनों में कितने का फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस समझाया था ना इसी स्टार्ट होने से पहले कि फेज का डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इसमें ओमेगा टी है, क्या इसमें कोई प्लस पाई माइनस पाई पाई बाय टू एनीथिंग इसके अंदर कुछ एडिशन है, नहीं है ना, इसमें भी एंगल ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, तो और इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो इसमें और इसमें कितने का फेज का डिफरेंस है आप बताएं, बिल्कुल कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम वेरिएशन है, तो आप क्या कहोगे, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, इनके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, हियर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, उनके बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या कह सकते हो और फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, जीरो। तो एक बात तो आपको बतानी होती है, फेज का डिफरेंस बताना होता है, फिर आपको इसका फेजर डायग्राम बनाना होता है, फिर इसका वेरिएशन बताना होता है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर इसका बनाएंगे हम फेजर डायग्राम, जिसमें क्या क्या वेरी करेगा, वोल्टेज और करंट वेरी करेगा, इक्वेशन देखो ध्यान से इसके क्या है और इसके क्या है, हो गया नोट, अब बनाते हैं फेजर और इसका वेरिएशन। ठीक है, देखो हो गया, ये तो सबसे पहले हमने ईएमएफ लिया था, तो ये क्योंकि ईएमएफ की इक्वेशन E नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की इक्वेशन E नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी मीन्स एंगल है उसका, किसके साथ होता ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के साथ, तो भाई ये हमारे पास हो गया एंगल ओमेगा टी, और ये किसकी पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, उसके बाद याद रख दो। ठीक है, उसके बाद आपको किसका वेरिएशन और दिखाना है, करंट का वेरिएशन दिखाना है, अब करंट का भी, करंट की भी इक्वेशन क्या है, सेम है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन भी ऐसे ही है, हो गया, उसका भी एंगल कितना है ओमेगा टी, इसका मतलब वो भी क्या आएगा, इतनी एंगल पे आएगा, अगर डिफरेंस होगा तो ओनली किसका डिफरेंस होगा, ओनली डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस होगा ओनली उसकी पीक वैल्यू पर डिफरेंस होगा। ओके, ठीक है बेटा, एक मिनट रुके, क्या बता तुम आपको कि हमारे पास एक वोल्टेज है जिसकी इक्वेशन थी ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ई नोट तो क्या, ये हो गया फेजर उसका, ये उसकी लेंथ, लेंथ उसकी पीक वैल्यू, अलोंग द वाई एक्सिस उसकी क्या होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको E को रिप्रेजेंट कर दिया, E को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ओनली बस Y दिखा दो, X मत दिखाओ, उसके बाद और दूसरा क्या है,
अब दूसरा था करंट, करंट की इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन बनी थी। तो करंट का एंगल भी कितना है, ओमेगा टी। एंगल किसके साथ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर एंगल ओमेगा टी होगा तो उसी के लोंग तो आएगा, मतलब फेज डिफरेंस कंप्लीट जीरो है। तो आई नोट और ई नोट दोनों क्या आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे। तो अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस होगा इनकी पीक वैल्यू का। तो हो सकता है आई नोट की पीक वैल्यू ई नोट से कम हो। तो यहां से हम आई नोट को दिखा देंगे, इतना दिखा दिया हमने, तो ये हो जाएगा आई नोट, होगा इसी के लोंग ये भी, क्योंकि इसे ऐसे ही है। अब इस आई नोट यानी कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहां जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी आई को रिप्रेजेंट कर दिया ये। इतना सा बनाने बस होंगे। तो दिस इज फेजर डायग्राम, ये क्या होता है, फेजर डायग्राम। और अब इसके साथ आपको क्या बनाना होता है, इसके साथ इसको दिखाना होता है आपका वेरिएशन। ग्राफिकल वेरिएशन रिप्रेजेंटेशन, कैसे वेरिएशन, वेरिएशन विद टाइम। तो देखो बेटा आप इसको कैसे बना सकते हैं, इधर टाइम है टी के साथ ये वेरी करेगा, ठीक है, इधर हमारे पास है ई या फिर आई। टाइम से दिखा सकते हो, एंगल से भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो अगर एंगल करें तो आप इसको ओमेगा टी कर लेना, तो एंगल से दिखा रहे ना, तो आप इसको एंगल से एंगल के साथ ही वेरी कर लेना, ठीक है। एंगल कितना, जीरो डिग्री, पाई बाई टू, पाई, कितना वेरिएशन है, आधा आधा साइकिल का एंगल एंगल दिखा रहे इसका, ठीक है। तो भाई देखो ये हो गया जीरो, ये आ गया मान लो कितना पाई बाई टू, ये कितना आ जाएगा पाई, ये कितना है थ्री पाई बाई टू, ये कितना है टू पाई, ठीक है। चलो सबसे पहले वेरिएशन किसका दिखाएंगे हम, वोल्टेज का। अब इस वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है, ये पीक वैल्यू इसकी, तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, यहां से लेकर यहां ये पीक वैल्यू इसकी। तो किसका वेरिएशन दिखाओगे आप इस तरह से, अच्छा इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब साइन का वेरिएशन कैसा होता है, साइन का वेरिएशन होता है जीरो पे जीरो, पाई बाय टू पे मैक्सिमम, फिर पाई पे जीरो होता है, फिर टू पाई पे कितना होता है जीरो होता है। तो इस तरह से वेरी करेगा ये, पाई बाय टू पे मैक्सिमम होगा ये इस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरह से वेरी करेगा। तो ये जो हमारे पास है इसकी, ये इसकी पीक वैल्यू है, अगर ये ई का वेरिएशन है तो, ये ई का वेरिएशन है तो ये इसकी क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू ई नोट, ठीक है। ऐसे ही इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नोट। अब आपको ऐसे ही किसका वेरिएशन दिखाना है, करंट का वेरिएशन। करंट की पीक वैल्यू इतनी है, ये करंट की पीक वैल्यू ये बढ़ जाएगी, तो मान लो करंट की पीक वैल्यू इधर है, लेकिन वेरिएशन इसका क्या है, सेम है, साइन ओमेगा टी है, ये करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ग्रीन वाला वेरिएशन है ये करंट का है, ये मानो करंट का, ठीक है, ये वेरिएशन वोल्टेज का है, और ये वेरिएशन करंट का है। तो आपको ये दो चीजें दिखानी होंगी, एक तो फेजर डायग्राम बनाना होगा, एक आप उसको ये वेरिएशन दिखाना होगा। ये वेरिएशन बिल्कुल ऐसे कि आपको समझाया था स्टार्ट हुई थी उससे पहले, ठीक है। तो ये वेरिएशन विद द एंगल, और ये क्या है, फेजर डायग्राम। तो ये कंप्लीट हो गया, ऐसे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एक क्या है ऐसे ऐसे हम एल करेंगे तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसको नोट करें पहले आप जल्दी से, अच्छे से बनाना डायग्राम, बड़े से डायग्राम बनाना, एक छोटे से बना दो बस, हो गया। चलो उसके बाद आता है ऐसे सर्किट कंटेनिंग
इंडक्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस का मतलब क्या थे? कॉइल्स, याद होगा ना आपको। तो अगर हमारे पास कोई भी एक कॉइल अगर एसी सोर्स के साथ जोड़ दी जाए, बस एक कॉइल कॉइल, और एक कॉइल भी ऐसी है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नॉन रेजिस्टिव सर्किट है ये, जिसकी इंडक्टेंस है एल, और ये एक सोर्स है एसी सोर्स, ठीक है। अब सेम बात वही है, लेट ये दिया हुआ है एसी का वेरिएशन, वोल्टेज का वेरिएशन दिया हुआ है, अब हमें करंट का वेरिएशन निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो करंट इंडक्टेंस के टर्म में आए, एल के टर्म में आए, कैसे फाइंड करेंगे? देखो याद करो, सबसे पहले ईएमएफ में और एल में और करंट में एक रिलेशन थी, डेफिनेशन ही थी इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर क्या थी, बट ये वी नो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो शुरुआत में इंडक्टेंस आया था, उसी टाइम इस ईएमएफ की डेफिनेशन थी एल की टर्म में इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हाँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी था, याद रखना क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये बताया था माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड होके आता है, दूसरे के इंडक्शन से आता है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये तो एक सोर्स है, और सोर्स हमेशा इंड्यूस से अपोजिट होता है, तो दिस इज सोर्स ईएमएफ, दिस इज सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो यहां माइनस मत लगा देना, तो यहां E इज इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो इस E की वैल्यू यहां पुट करें तो E इक्वल टू आ जाएगा एल डी आई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आपको डी आई डी आई यहां रखना है, ये इधर जाएंगे दोनों, तो एल आ गया डिवाइड में इनटू साइन ओमेगा टी डीटी, ठीक है। अब आपको डी आई मीन्स स्मॉल चेंज, यानी कि टोटल वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर टोटल वैल्यू क्या क्या करोगे बेटा, इसको इंटीग्रेट, तो टोटल वैल्यू के लिए हम करेंगे इसको इंटीग्रेट डी आई। E नोट मैक्सिमम ऑफ एंड इंडक्टेंस, दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डीटी, ये तो हो गया आई, ये है E नोट बाई एल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा, बहुत बार किया है, माइनस और ओमेगा भाग लिया हो, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं ना, और माइनस E नोट बाई एल ओमेगा इंटू कोस ओमेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, E नोट बाई एल ओमेगा, E नोट मैक्सिमम वोल्टेज एंड डिवाइड बाई एल ओमेगा, ये E नोट बाई एल ओमेगा करंट होगा, कौन सा करंट होगा, अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट होगा, बट E नोट डिवाइड बाई एल ओमेगा किसके इक्वल, I नोट के, E नोट बाई एल ओमेगा किसके इक्वल, मैक्सिमम करंट के इक्वल। इक्वेशन नंबर E नोट बाई एल ओमेगा की जगह I नोट वापस रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्या बनेगा, सो I इज इक्वल टू माइनस माइनस I नोट कोस ओमेगा। इक्वेशन नंबर आ गई नंबर फोर। अब ठीक है, फर्स्ट को और फोर को देखो, यहां E है I आ गया, यहां E नोट है यहां I नोट आ गया, ओमेगा टी है ओमेगा टी है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां साइन है यहां कोस है यहां प्लस है यहां माइनस है, ऐसे तो फेज में कंपेरिजन नहीं हो सकता है,
बताया था ना, ऐसे कंपेरिजन नहीं हो सकता है। अगर ये प्लस है तो वो भी प्लस हो, ये साइन है तो वो भी साइन हो, तो फिर कैसे वेरिएशन इसको कंपेयर करें। तो आपको क्या करना होगा, अब इस कोस को ना साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो हम इसको और क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं और आई इज इक्वल टू आई नोट भार माइनस तो है साइन साइन 90 माइनस थीटा और एक होता है 90 प्लस थीटा, मीन्स 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। हम कौन सा यूज करना है, हम देखो यहां जो आपको सही लगे वो आप यूज करना है, यहां पे कौन सा यहां सही सूट होता है वो आप यूज करना है। साइन 90 माइनस थीटा मैं लिख के चलता हूं, फिर प्लस से बताऊंगा प्लस क्यों नहीं लिया मैंने। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी, तो मैंने यहां लगा दिया कोस ओमेगा टी को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा टी। अब ये माइनस ले जाओ अंदर, ये माइनस अगर अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आई नोट दिस इज साइन, ये आ जाएगा ओमेगा टी एंड माइनस फाइव पाई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर फाइव। अब आप देखोगे ध्यान से सेम उस जैसे ही है जैसे कि फर्स्ट है, आई नोट साइन साइन ओमेगा टी, लेकिन इस ओमेगा टी में माइनस हो रहा है पाई बाई टू। तो ये बात ध्यान आया होगा मेरा जिसको अच्छे से जिसने अच्छे समझा तो उस टाइम पढ़ा होगा, तो यहाँ माइनस पाई बाई टू है, इसका यहां तो है जीरो और यहाँ क्या है माइनस पाई बाई टू। तो अब बताओ इन दोनों में कितने का फेज का डिफरेंस हुआ, इन दोनों में फेज का डिफरेंस आएगा भाई यहाँ जीरो है यहाँ पाई बाई टू है, तो कितना डिफरेंस हुआ पाई बाई टू का डिफरेंस हुआ। कौन आगे और या कौन पीछे हुआ, यहां अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो जीरो में माइनस पाई बाई टू घटाओगे तो प्लस पाई बाई टू आएगा, इसका मतलब ये पाई बाई टू आगे है किससे इससे, और अगर माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो करोगे तो माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो क्या आंसर आएगा माइनस पाई बाई टू। तो आप इसमें से ये घटा रहे हो ना, तो इसके लिए कितना आंसर आया माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू का मतलब कि ये क्वांटिटी पीछे है किससे इससे, कितना पीछे है पाई बाई टू फेज। अब बात है कि मैंने यहां पे प्लस क्यों नहीं लिया, आप प्लस लेके देखें, अब मैं अगर मैं यहां लिख देता प्लस ठीक है, तो भाई पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हो गया, फिर आप क्या करते भाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर देते, लेकिन इस माइनस का क्या करते हैं, ये माइनस सर यहां प्लस है तो ये माइनस तो हटता ही नहीं यहां से, और बिना माइनस हटे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करोगे यहां पे, आप यहां पे हमेशा लेके चलेंगे ऐसा वेरिएशन, ऐसे यहां पे क्वांटिटी लिखोगे जिससे ये एक जैसी बन जाए। तो यहां जो ऑप्शन आया वो कौन सा आया 90 माइनस थीटा का, ठीक है। तो अब आप यहां बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या वी नोट दैट, क्या कहोगे वोल्टेज, एक याद कर लो लीड याद कर लो या लेग्स बिहाइंड याद कर लो, आप लीड याद कर ले कि कौन आगे रहता है, तो यहां कौन आगे है ईएमएफ, ठीक है, यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज लीड्स एलईडीएस टू करंट बाय फेज ऑफ पाई बाय टू, और अगर लिखें हम ये लिख सकते हैं वैसे तो, और करंट लैग्स बिहाइंड किससे टू वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई, ठीक है। यहां तक ओनली इतनी बात क्लियर हुई है कि भाई यहां ये क्या करेगा वोल्टेज लीड करेगा किससे करंट से, तो आप इसको नोट करें एक बार स्क्रीनशॉट लें इसके बाद, फिर एक बार इसमें एक नई बात और क्लियर आएगी निकल के यहां से, उसको बाद में करेंगे, पहले हम इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। ओके देखो अभी नेक्स्ट ये दो इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन कौन सी फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब पहले एक बार इसका भी रोल पूरा कर लेते हैं काम,
फिर इसके बाद वेरिएशन दिखाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ए नॉट डिवाइड बाई एल ओमेगा को मैंने क्या लिखा है, आई नॉट, ए नॉट बाई आई नॉट, और अगर आई नॉट को यहां लिया हूं तो एल ओमेगा इक्वल टू हो गया। मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, तो अगर ये मैक्सिमम है तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे, अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो ये भी इंस्टेंटेनियस ही होगा। तो जब मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट है या कुछ भी है, दोनों है तो सही वोल्टेज और करंट ही, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसे तो बात नहीं हो सकती कि इसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस तो होगा, तो इस एल का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस एल का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इन द एल वो कहलाता है एक्स एल, तो ई नोट बाई आई नोट होगा एक्स एल, एल सबस्क्रिप्ट में नीचे मल्टीप्लाई नहीं है, और ये एक्स एल इक्वल टू आ जाएगा एल ओमेगा, यानी आप इसको पूरा लिखे E नोट बाय I नोट क्या बनेगा, इक्वेशन कितनी होगी थी, 5 नंबर से, बट E नोट बाय I नोट बनेगा XL, और वो XL किसके इक्वल हो जाएगा, L ओमेगा के, तो वेयर इज ना व्हाट इज XL, XL क्या है यहां पे, हियर XL इज इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर आप इसके डेफिनेशन लिखें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई भी एक इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो उसका कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई भी एक इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितना वो करंट का अपोज करता है, वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। एक एक स्टेप आगे आते जा रहा, अच्छे से दिमाग में बैठाते जाना, यहां आएगा XL, ऐसे आएगा XC, तो इसका कि X लिखा मिलेगा उसका मतलब है वो रिएक्टेंस है, X का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस, याद रखना, अगर वो L हो गया तो वो हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये अगर C मिल गया तो वो हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो X का मतलब क्या है, रिएक्टेंस, X इज रिएक्टेंस, तो ये आप नोट कर लो, इसमें एक अलग बात निकल के यहां से आएगी। देखो पिछले वाले में क्या था, E नोट बाई आई नोट, E नोट बाई आई नोट R था, याद जाना पिछला वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, उसमें था E नोट बाय I नोट इक्वल टू R, क्यों था R, क्योंकि उस सर्किट में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था, अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इस सर्किट में इंडक्टेंस है, तो यहां पे E नोट बाय I नोट क्या बनेगा, यहां E नोट बाय I नोट क्या बनेगा, XL, ठीक है, और अगले में क्या आ जाएगा, E नोट बाय I नोट इक्वल टू XC, जब सर्किट में एक एक सब्सटेंस आते जाएंगे, एक एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे, अपैरेटस आते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है, तो इसको नोट करो बेटा। अब बनाते हैं इनका फेजर और वेरिएशन, ठीक है, देखो तो हमारे पास इक्वेशन दो आई थी, मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक तो थी हमारे पास इक्वेशन E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा T, और एक इक्वेशन आई थी इसी के बात कर रहा हूं, इसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, अभी वही चल रहे हैं, ये आई I नोट साइन ओमेगा T माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट और ये इक्वेशन थी नंबर फिफ्थ, ठीक है, अब इसका वेरिएशन दिखाओ भाई, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस
और ये x एक्सिस, ठीक है। बढ़ाओ भाई, सबसे पहले ये वाला कितना एंगल है, ओमेगा टी, ठीक है भाई। किसकी पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू। किसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कंप्लीट। एक उसके बाद किसका दिखाना है, उसके बाद दिखाना है करंट का। करंट की पीक वैल्यू आई नॉट, वेरिएशन साइन, एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी में एंगल में माइनस पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री पीछे दिखाना है, 90 डिग्री कम दिखाना है। तो जो ओमेगा टी ये है तो इससे कम कहा होगा, तो कम कितना, पाई बाई टू, तो कम कहा होता है, पीछे कहा होता है, यहां से, क्योंकि वो स्टार्ट यहां से आगे चलता है, तो इसका मतलब वो यहां था, इससे वो आगे यहां पहुंच गया, तो इससे 90 डिग्री पीछे कहा होगा, इससे 90 डिग्री पीछे यही तो होगा, ये तो 90 नहीं होगा ना, 90 तो नहीं होगा, 90 ये बढ़ेगा, और इसकी पीक वैल्यू कम दिखाना, ये हो गया आई नॉट, और इससे 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है ये कितना है बेटा, पाई बाई, सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ठीक है, ये बनेगा। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, टोटल हमारे पास ये कितना है, पाई बाई टू, थोड़ा सा कलर बना दिया मैंने, ये ओमेगा टी पाई बाई टू, ये तो मुझे कितना है पाई बाई टू, ये तो कितना है पाई बाई टू, 90 डिग्री है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा वो कहलाता है फेजर, ये कितना बनेगा बेटा, ये कहलाएगा, देखो टोटल तो कितना हो गया पाई बाई टू, ये कितना हो गया ओमेगा टी, एक्स एक्सिस के साथ ये क्या कहलाता है फेज, तो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ये वहां क्या आ गया, तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो उसको कह देंगे हम, ये कितना है भाई, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू, यहां माइनस का मतलब आ रहा है, माइनस का नहीं, यहां पे क्या, ये पीछे है, आपको सर यहां पे तो आप लिखना चाहिए था पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लेकिन यहां पे पाई बाई टू ज्यादा है, ओमेगा टी कम है, तो ये जो वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी वो आएगी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये होगा करंट का वेरिएशन, और ये करंट की आ जाएगी इंस्टेंटेनियस, दिस इज आई, ये होगा फेजर, ये होगा फेजर। अब आपको दिखाना है इसका वेरिएशन, इधर तो हो जाएगा ई और आई, ठीक है, और इधर हो जाएगा एंगल ओमेगा टी, सेम बात, पहले जीरो, फिर पाई बाई टू, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, उसके बाद है टू पाई, ठीक है, दिखाओ भाई। सबसे पहले किसका वेरिएशन है, सबसे पहले वोल्टेज का वेरिएशन, वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा टी, तो स्टार्ट करो जीरो से और पाई बाई टू पे दिखा दो मैक्सिमम, इस पे मैक्सिमम दिखा दो कि भाई इतनी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे बना लेना अपने आप ही इसको वेरिएशन, ठीक है बेटा, ये पाई है यहां पे, तो ये तो किसका वेरिएशन है, और ये किसकी पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू है, इनो ये वोल्टेज का वेरिएशन है। अब आपको किसका वेरिएशन दिखाना है, करंट का वेरिएशन दिखाना है, करंट 90 डिग्री पीछे है, पीछे को हम कैसे दिखाते थे, 90 डिग्री पीछे का ना नीचे से, और इसके मान लो पीक वैल्यू ये इतनी है बस, तो ये आ जाएगा करंट का, और उसकी पीक वैल्यू इतनी ही जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो ये करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी आई नोट, ये क्या है माइनस आई नोट, और इधर क्या बन जाएगी प्लस आई नोट, तो ये जो वेरिएशन है किसका वेरिएशन है, करंट का वेरिएशन, ये सभी वेव मैंने बनाई थी आपको, तो इसे समझाया था वैसे,
तो अगर माइनस पाई बाई टू है मतलब एंगल उसका फेज का डिफरेंस पाई बाई टू है, प्लस पाई बाई टू होता तो यहां से स्टार्ट हो जाता, माइनस पाई बाई टू होता पीछे से स्टार्ट होगा, तो ये वेरिएशन बनेगा इसका। तो ये हो गया फेजर डायग्राम, ये हो जाएगा ग्राफिकल वेरिएशन। कर ले दोनों जल्दी से, एक बार छोटा सा काम और बस गया इसके अंदर, इसको कंप्लीट करेंगे पहले हम। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। अब उसके बाद आता है हमारा उस इंडक्टर के ऊपर और क्या क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, हम उसकी बात करेंगे। अब इंडक्टर की बात करेंगे, जो हमारा इंडक्टर आया था, इंडक्टर की इंडक्टेंस जो आई थी, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूले की। तो हम करेंगे रोल ऑफ इंडक्टर, वेरिएशन भी उसका साथ साथ, ठीक है, एंड वेरिएशन ऑफ करंट एंड एक्सेल विद फ्रीक्वेंसी। इस पे से छोटा क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक नंबर का। क्या क्या बनाएंगे वो देखने का। तो हमने ये पढ़ा है कि भाई एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा, ये पढ़े हमने क्वेश्चन, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से चलते हैं। तो अगर कहें अगर सोर्स एसी हुआ, हम ओमेगा को ये भी कह सकते हैं ना, और एक्सएल इक्वल टू एल और ओमेगा होता है टू पाई में। एक मिनट रुक जा बेटा, ठीक है। इफ सोर्स इज एसी, इफ अलग सोर्स एसी हुआ, तो एसी सोर्स हुआ तो एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है होती है वो फाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट वैल्यू होती है, वेरी करता है वो, तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी लेकिन इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बस वो। तो फ्रीक्वेंसी अगर फाइनाइट है तो एक्सएल की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, एक्सएल की वैल्यू भी फाइनाइट आएगी। इसका मतलब कैसे वेरी करेगा, कि इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ध्यान समझना, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज अगर बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल भी बढ़ेगा। एक्सएल अगर बढ़ेगा तो करंट कैसे वेरी करेगा, करंट क्या था, ये था ना बेटा कि आई नोट, ई नोट बाय आई नोट था ना, तो आई नोट क्या बना था, ई नोट इनटू में एक्सएल, ये बनेगा ना बेटा बाय ई नोट बाय आई नोट क्या था, एक्सएल। तो यहां से जब आई नोट निकालेंगे तो ई नोट बाय एक्सएल आएगा ना, ई नोट बाय एक्सएल ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या कहें कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस था वो बढ़ने से करंट क्या होगा, कम होगा, करंट आएगा वो कम होगा, डिक्रीज होगा। और आपसे पूछेगा ब्राइटनेस के क्वेश्चन, कि बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी, कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है एलिमेंट, ये बल्ब है, इसके साथ यहाँ पे एक एसी सोर्स है और यहां पे एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है और ये बल्ब है, और ये सोर्स कैसे है, एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले इसको एसी सोर्स लें फिर इसको डीसी सोर्स लें और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा इस बल्ब की ब्राइटनेस में, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया। तो अब बताएं क्या हुआ, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और करंट पे डिपेंड करती ब्राइटनेस, तो यहां ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज, उसकी बल्ब की ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, ठीक है। दूसरा वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, दूसरा काम कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, एक्सएल कम होगा, एक्सएल कम होगा करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसे वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल और करंट, आप बताओ मेरे को, एक्सएल फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो,
एक्सएल पे क्या फर्क पड़ा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, एक्सएल भी बढ़ रही है, तो फर्क क्या हुआ? डायरेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी का करंट पे क्या फर्क पड़ा है? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट कम हुआ। फ्रीक्वेंसी एक्सएल में ग्राफ, फ्रीक्वेंसी करंट में ग्राफ प्लस ब्राइटनेस। नोट करो जरूर से, छोटा होगा बस, क्या 2 मिनट का बस, हो गया। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया सोर्स एसी का। इसी के अंदर मैं एक छोटा सा और काम करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं उसमें, क्या पता क्या आज है, इसी की बात करते हैं थोड़ी जवाब हमें, ठीक है। ये ग्राफ बढ़ा लिया आपने, मिटा रहा हूं इसको मैं। अगर मान लो इसमें ये आज है, सोर्स एसी ही है, ठीक है, सोर्स एसी है, पॉइंट नंबर सेकेंड की बात कर रहा हूं। If source is AC and frequency finite होगी and a soft iron core is inserted in an inductor, मैं बेटा बिल्कुल कमी नहीं छोड़ूंगा, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे आपकी चाहे फिजिकल क्लास है, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास है, आप अगर अच्छे से पढ़े तो आपको सेम वैसा ही वैसे कराऊंगा यहां भी आपको मैं। तो अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर, अगर कहते हैं कि ये कोयल है, इस कोयल के अंदर एक कोर डाल दे, कोर याद अगर एक सोलेनोइड था, उस सोलेनोइड के अंदर एक कोर अगर डाल दी जाती तो क्या फर्क पड़ता था, वही बात हमें आपको बतानी यहां पर। तो आप बताओ इसके अंदर एक कोर डाल दी जाए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था इंडक्टेंस का, वी नो एल था बेटा, वो बन जाएगा म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर एल। ओनली क्या था, बस ओनली होता था म्यू नोट एन स्क्वायर एल, लेकिन जब उसमें आप मीडियम डाल देते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या बनते थे, म्यू आर। इंडक्टेंस का फॉर्मूला था ये, इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल, याद रखें। तो अगर उसमें कोर नहीं होती थी म्यू आर नहीं आता, कोर होते थे म्यू आर आ जाता है। तो अगर उसमें मैंने नाम भी लिखा, कौन सा लिखा है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थी बेटा, क्या थी, उसकी परमियाबिलिटी जो होती है ना, वो ग्रेटर ग्रेटर देन वन होती है। तो उसका म्यू आर बढ़ा, यानी सकते हैं उसका परमियाबिलिटी बढ़ी, लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास हुई, जब बहुत ज्यादा पास होगी तो म्यू आर बढ़ने से एल भी तो बढ़ा, उसकी इंडक्टेंस बढ़ेगी, सो इंडक्टेंस इंक्रीज, एल इंक्रीज, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो एक्सएल इंक्रीज होगा, इंडक्टेंस इंक्रीज एक्सएल इंक्रीज, एक्सएल इंक्रीज करंट डिक्रीज, और करंट डिक्रीज ब्राइटनेस डिक्रीज। ब्राइटनेस डिक्रीज। तो अगर इसके अंदर आप कोर डाल देते हैं, कोर, और कोर डालने के बाद हम कुछ चेंज नहीं कर रहे यहां पे, बस हमने कोर डाल दिए, सेम फ्रीक्वेंसी थी, पहले भी इतनी ही, अभी उतनी है। तो कोर डालने से इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगी। तो ये तो हो गया सॉफ्ट आयरन का, क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन। लेकिन अगर मैं इसमें एक डाल दूं कॉपर, कॉपर सीट, इसके अंदर डाल दें कॉपर सीट, तो कॉपर सीट से क्या होगा, कॉपर सीट, कॉपर क्या होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले आप इसको नोट करें, फिर करता हूं पॉइंट नंबर थर्ड, और कुछ बच जाए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इसको आप नोट कर लीजिए पहले बार इसको। अब देखो पॉइंट नंबर थर्ड, सोर्स एसी, फ्रीक्वेंसी फाइनाइट एंड ए कॉपर सीट, इज इंसर्टेड। तो अब क्या होगा, सॉफ्ट आयरन जो होता है बेटा,
सॉरी कॉपर सीट जो होती है, कॉपर सीट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी लेस देन वन होती है, लेस देन वन। तो उसकी परमेबिलिटी लेस देन वन होगी तो उसका इंडक्टेंस कम होगा ना, बताओ ये कम होगा, इंडक्टेंस कम होगा, एक्सेल कम होगा, एक्सेल भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी। क्या मतलब हुआ, कॉपर की ही कॉइल्स होती हैं और कॉपर की इसके अंदर सीट डाल दें तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, और कॉपर की कॉइल्स हैं और उसके अंदर आप डालें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो उसकी ब्राइटनेस घटेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर केस था, इन कोर्स एसी, एक मिनट बेटा। तो मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान रख समझ की बात, कि अगर इसमें आयरन सीट डालेंगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगी, ब्राइटनेस घटेगी, लेकिन अगर इसमें कॉपर सीट डालेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। ये चीज है, रीजन पूछे कि रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन मैंने सारा लिख दिया है, वो बड़े से बड़ा रीजन आप बता सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन छोटा है बड़ा है। तो ये तो था एसी सोर्स का, अब बात करते हैं सोर्स अगर डीसी हो जाए, ये चेंज करके हम डीसी सोर्स लगा दें। नंबर फोर, सोर्स इज डीसी, मतलब अब जो हमारे पास ये सोर्स है वो डीसी है, बैटरी लगा के, तो डीसी अगर सोर्स हुआ तो डीसी में फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, वेरी करता ही नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है डीसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल भी जीरो, रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, रिएक्टेंस ही नहीं होगा, रिएक्टेंस नहीं है मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, अपोज ही नहीं करेगा, अपोज ही नहीं करेगा, इसका उनको रोल ही नहीं है, इसका रोल नहीं है एल का, सो देयर इज नो रोल ऑफ एल इन डीसी। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सुने, आपको कहा जाएगा एक डीसी सोर्स जोड़ दिया एल के साथ और कहा जाएगा इसके अंदर ना एक कॉपर सीट डाल दी, इसके अंदर एक कॉपर सीट डाल दी, तो बताओ ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कहोगे इसके ब्राइटनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, अरे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एल जो होगा ना एल का कोई रोल ही नहीं है, एल चेंज ही नहीं होगा, डीसी के केस में एल चेंज होगा ही नहीं, चाहे कॉपर सीट डाले चाहे आयरन सीट डाले, आप ये तो नहीं कह सकते फ्रीक्वेंसी बढ़ने बढ़े, फ्रीक्वेंसी होती नहीं तो घटेगी बढ़ेगी कहां से। ठीक है, तो यहां कहेंगे कॉपर सीट डालने से आयरन सीट डालने से इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं है तो उसके बल्ब के ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। क्या करने से, बाय इंसर्शन डालने से, क्या ऑफ कॉपर और आयरन सीट इंसर्ट इन इट, समझ के बात, तो जो फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा वो ओनली एसी सोर्स से पड़ेगा, डीसी सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो पार्ट आएगा ये आएगा एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल टाइप में। ठीक है बेटा, थैंक यू, आप इतना कर लेना, कल कराएंगे इसका कैपेसिटेंस, एसी सर्किट ओनली कैपेसिटेंस और उसके बाद में तीनों एलबी सीबी और आरबी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।